शरीफ भैया जी, फिल्म का मुहूर्त क्लैप। सर, रैप के लिए तो देखो हर जगह स्पेस है क्योंकि अभी कल्चर है, ठीक है। भोजपुरी में कोई इस कल्चर को लेके नहीं आ रहा था। भोजपुरी उसी ट्रेंड पे वापस चल रही थी, तो इसको एक इनिशिएटिव उठाया मैंने, लेके आए तो काफ़ी प्यार मिला मेरे को। बिहार, यूपी, झारखंड, रांची, हर जगह से मेरे को काफ़ी प्यार मिला। उसके बाद जो ये मूवी लेके आ रहे हैं, ये मूवी भी एक रैप बेस्ड मूवी है जिसमें एक लड़के का गाँव से स्ट्रगल दिखाएंगे, कैसे वो सुपरस्टार बनता है। बेसिकली मैं बिहार से हूँ, बिहार हाजीपुर से, और इस इंडस्ट्री में पिछले 6 साल से हूँ। मैंने मॉडलिंग से अपनी करियर की स्टार्टिंग करी और 2018 में मैं मिस इंडिया बनी एंड 2019 में इसको और मैंने कंटिन्यू किया, और इससे भी पहले मैंने 2 फिल्में की है और ये मेरी 3rd फिल्म है। और जैसा कि नाम है सुपरस्टार भैया जी, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इसकी शूट के लिए, और जितने भी टीम मेम्बर्स है बहुत ही ज़्यादा सब, मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और बहुत ही ज़्यादा सब डेडिकेटेड है अपने काम के लिए। तो इसके साथ, इनके टीम के साथ, स्पेशली एमी के टीम के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। इनसे पहले भी मैंने एक और एल्बम करी थी जिसका नाम था लव यू बिहार, बहुत सारा प्यार आप सबने दिया था, और इस बार भी मैं यही चाहती हूँ कि आप सबका ढेर सारा प्यार मिले। चूँकि और बात रही मेरी इस इंडस्ट्री में आने की, तो मैं मार्शल आर्ट्स भी करती हूँ। मार्शल आर्ट्स कराटे में मैं ब्लैक बेल्टेड हूँ, डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल स्टॉपर हूँ, और योगा में भी। तो ये मेरा सब कुछ मिला करके, जैसे होता है ना एक चीज़ का मिश्रण, मल्टी टैलेंटेड, तब जाके मैंने सोचा कि इसके लिए अब आना चाहिए इस इंडस्ट्री में। तो मैंने इसमें कदम रखा है और बस आप सबका बहुत सारा प्यार चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके, मेरी जो इस फिल्म में कैरेक्टर है वो बिल्कुल हिप हॉपर है। मैं एक रैपर हूँ और मैं बहुत हाईली एजुकेटेड हूँ, एंड इनकी एमी की जो कैरेक्टर है वो है एक गांव वाले, जैसा कि नाम से पता चला होगा भैया जी, लेकिन है बहुत धांसू से। इनकी कैरेक्टर जो है बहुत दमदार है, और इस फिल्म में कोई वल्गैरिटी नहीं है, बहुत ही मोटिवेशनल फिल्म है। और भोजपुरी के जितने भी लोग हैं, भोजपुरी समाज एंड जितने भी मीडिया वाले हैं, उन सबको तो थैंक यू सो मच। और मैं यही चाहूँगी कि हमारी जिस तरीके की फिल्म है हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप सबका ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू सो मच। भोजपुरी इंडस्ट्री को किस तरह से देखते हैं? अभी इस टाइम पे तो मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को एक साफ सुथरा देखता हूँ कि अब आने वाले टाइम में पक्का कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। सबसे पसंदीदा सिंगर आपके कौन है? सर, अभी तक सबसे पसंदीदा कोई भी नहीं है सर। नहीं, मतलब किसी के गाने आपको पसंद ही नहीं है? नहीं सर। क्यों, कोई खास वजह? सर, क्या आता है आप खुद बता दें, भोजपुरी में क्या चल रहा है? कभी आज तक भोजपुरी को सुना नहीं, जिस ट्रेंड को मैं फॉलो करता हुआ आ रहा था। लाइक मैं पहले पंजाबी ज़्यादा सुनता था, बेसिकली पंजाब से, तो पंजाबी ज़्यादा सुनता था। उसके बाद भोजपुरी में जब एंटर हुआ, भोजपुरी में एंटर होने के बाद देखी चीज़ें, लेकिन चीज़ें मेरे को समझ नहीं आई कि किस तरीके से भोजपुरी में चल रही है। मैं हमेशा से कुछ नया ट्रेंड लेके आना चाहता था, तो भोजपुरी में मैं आए इस तरीके से, क्यों आए ही इसीलिए हूँ कि एक नया ट्रेंड आए भोजपुरी में। और सर, सिंगर्स वगैरह जो हैं पसंद करता हूँ मैं सबको, ठीक है, दिल से है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को सुनता हूँ, अभी तक मैंने नहीं सुना। यूनिक करना है। अभी आज जो फिल्म है भैया जी सुपरस्टार, इस फिल्म का आज मुहूर्त है जिसके लिए आज हम सभी यहाँ पर आए हैं। और अभी मैं यहाँ पर आई तो मुझे इस फिल्म के थीम के बारे में पता चला कि ये एक रैप सॉन्ग्स है, एंड कुछ अलग करना चाहते हैं ये टीम जो है, कुछ अलग करना चाहती है। सो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं इनको कि ये अच्छा करें, और कुछ अच्छा होना चाहिए, हर वर्ग के लोग आने चाहिए, नए लोग भी आने चाहिए इंडस्ट्री में, तभी ये परिवार और बड़ा होता जाएगा। जैसे मैं आई तो सभी का बहुत स्वागत है, नए लोगों का इस फैमिली। तो ऐसा क्या है कि सारे रैप सॉन्ग्स आपके कलम से बाहर आ रहे हैं? इसलिए कि हमको लगता है कि अब मेलोडी के तरफ जाने से लोग सो जा रहे हैं सिनेमा हॉल में, और उस जोनर के थ्रू हम लोग नहीं अश्लीलता को हटा पा रहे हैं। और नाम आपका बड़ा यूनिक है, सिनेमैटिक, क्या मतलब होता है इसका, जरा बताएं। मुझे बचपन से सिनेमा में इंटरेस्ट था, तो मैंने अपना नाम सिनेमाई शुभम रखा हुआ है, जो सिनेमैटिक शुभम का हिंदी है, वो सिनेमाई शुभम है।
तो यही मेरा नाम कि बचपन से मुझे फिल्म बनाने का शौक़ है, फिल्म मेकिंग का है। मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी से। हाँ, तो यही है कि अब मैं डेब्यू करने जा रहा हूँ अपनी फर्स्ट फिल्म लेके भोजपुरी में, और भोजपुरी में इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि भोजपुरी का अभी जो लेवल है वो अगर कंपेयर किया जाए तो पंजाबी और हरियाणवी से कम है। ये नहीं बोलूँगा कि भोजपुरी अभी वीक है, यह है, लेकिन जो भोजपुरी चल रहा है वो बॉलीवुड और पंजाबी और इनसे लेवल इनका नीचे है। तो हम ऐसी भोजपुरी में मूवी बनाएंगे जो बॉलीवुड वाले हमें रीमेक करें। साउथ की फिल्में बॉलीवुड में रीमेक होती हैं, भोजपुरी की फिल्में बॉलीवुड में रीमेक क्यों नहीं होती? तो हमारा यही प्रयास होगा कि भोजपुरी में हम ऐसी फिल्में दें जो बॉलीवुड वाले हमारी भोजपुरी फिल्मों का रीमेक करें। टिकटॉक पे सभी लोग, भाई लोग सपोर्ट करते हैं, अच्छे से सपोर्ट करते हैं, और पूरी उम्मीद है कि इस मूवी के लिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा आप सभी का जो देख रहे हैं हमें, और काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है। और ये मूवी ना बहुत ज़्यादा मतलब हटकर है बिल्कुल, तो प्रयास है इस मूवी को अच्छा करे और सभी का प्यार जैसे मिल रहा है वैसे मिलेगा। आपका क्या कैरेक्टर है, आपने बताया? हमारा कैरेक्टर आई थिंक सेकेंड लीड रोल है, डायरेक्टर सर ज़्यादा बेहतर बताएंगे इस बारे में। और इनका फिल्म देखने के, इनका जो कैरेक्टर है जो ये टिकटॉक पे काम करते हैं उसी टाइप का इनका कैरेक्टर है, ये फिल्म में उस एक्टर के फ्रेंड हैं। सर जी, आपने स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखा है इसमें, जी ज़रा बताएं उसके बारे में बेसिकली। ये इस जॉनर की जो फिल्म है, हाँ, इसमें जैसे डायलॉग लिखे गए हैं और स्क्रीन प्ले किस किस का है? कथा तो ये शुभम की है जी, मेरा काम सिर्फ स्क्रीन प्ले ही था और डायलॉग करना था, लेकिन चूँकि रैप इनका मेन फोकस है और भोजपुरी को एक भोजपुरी में पहली बार ये ट्रेंड लेकर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक चैलेंज है। हमने अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश करी है और देखते हैं। सर जी, आप तो बेसिकली बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर बातें भोजपुरी फिल्म की हो रही है जी, नई टीम है। मैं समझता हूँ भाषा या बोली बहुत मायने नहीं रखती, आप किस क्वालिटी का काम करते हो बहुत मायने रखते जी, बिल्कुल। क्या ओपिनियन रखते हैं आप भोजपुरी फिल्म के बारे में? जैसे ये डायरेक्टर हैं, जैसे इन्होंने बात की, फिल्म जो है सबसे मेन होता है, डायरेक्टर जो है प्रोड्यूसर तो एक माँ की तरह होता है, लेकिन जो फिल्मकार जो बाप होता है वो डायरेक्टर होता है। और जिस तरह से इन्होंने बात की है, जो सुनने में आया मेरे, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से एक नई दिशा में भोजपुरी सिनेमा जा सकता है।